गंगा नदी के किनारे एक हरी भरी जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर बहुत एकता के साथ रहते थे। उनमें से हाथी और बंदर जो शाकाहारी थे अच्छे दोस्त थे। दोनों मिलकर पूरे जंगल में साथ साथ घूमते थे। जो भी फल और सब्जी मिलते उन्हें आपस में बांट कर खाते थे। एक लोमड़ी को उनकी दोस्ती आंख नहीं भाती थी। इन दोनों में इतनी दोस्ती, कहीं भी जाते हैं तो दोनों चिपक कर जाते हैं। उन्हें किसी तरह से अलग करना होगा। कैसे? ऐसा सोचकर उसने उन दोनों को अलग करने की तरकीब सोची। वैसे तो उन लोगों से हंस हंस बात करती, लेकिन मन ही मन हाथी और बंदर पर बहुत गुस्सा थी। अगर उन लोगों को अलग करना है तो उनसे दोस्ती करने का नाटक करना होगा, ऐसा उसने मन में ठान ली। इसी तरह एक दिन हाथी और बंदर को नहाते देखा। उसने उस तालाब में उतरकर नहाना शुरू किया। किसी तरह से उनसे बात करना शुरू की। दोस्त, क्या तुम लोग भी इसी तरह तालाब में नहाते हो? मैं भी। लोमड़ी की बात सुनकर हाथी और बंदर एक दूसरे को देखने लगे। इस तालाब में नहाने के लिए हम दोनों के सिवा कोई नहीं आता। हमने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ, हमने तुम्हें पहले नहीं देखा। दोनों की बात सुनकर लोमड़ी को समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने अपने नाटकीय आवाज में कहा, ओहो ऐसा, मुझे सुबह सुबह ही नहाने की आदत है। शायद आप लोग मेरे जाने के बाद ही आते होंगे, है ना? हाथी और बंदर को उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उससे बचने के लिए दोनों इस तरह कहने लगे, ओह तो ये बात है, सुनकर अच्छा लगा। ऐसा कहकर दोनों वहाँ से चले गए। लोमड़ी की बातें हाथी और बंदर के विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे लगता है कि हमें उस लोमड़ी की बातों का एकदम विश्वास नहीं करनी चाहिए। उसकी बातों में मुझे सच्चाई नजर नहीं आ रही है। मेरी माँ कहती थी कि लोमड़ी नमक हराम होते हैं, धोखेबाजी उनके नस नस में बहती है, इसीलिए मुझे लोमड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे पहले कभी उसने उतने प्यार से बात नहीं की, फिर क्या वजह हो सकता है कि उसने कल उतने प्यार से बात की? लोमड़ी जो भी काम करती है उसके पीछे जरूर कोई राज छुपा होता है। हमारे साथ दोस्ती करने के पीछे भी उसका कोई राज होगा। ऐसा? उस दिन से लोमड़ी रोज उस तालाब के पास आती और चापलूसी की बातें करती और उन्हें विश्वास दिलाती। इस तरह से हमारा दोस्ती करना बहुत अच्छा लग रहा है ना दोस्त? हाँ दोस्त, मैं चाहती हूँ कि हमारे दोस्ती जिंदगी भर ऐसा ही रहे। लेकिन हाथी को कहीं ना कहीं उस लोमड़ी पर शक था। हाथी को उसकी कुटिन प्यार समझ में आ रही थी। हंसते हुए जाते लोमड़ी को देखकर हाथी को बहुत गुस्सा आया। क्या हुआ दोस्त, तुमने लोमड़ी से अच्छी तरह से बात नहीं की? मुझे उस लोमड़ी पर बहुत शक हो रहा है दोस्त। मुझे लग रहा है कि वो किसी गलत विचार से ही हमसे दोस्ती कर रही है। ये सब तुम्हारा भ्रम है। एक बार उस भ्रम को अपने मन से निकाल फेंको, उसके बाद तुम्हें सब अच्छे ही दिखेंगे। तुम कुछ भी कहो, मुझे लोमड़ी पर विश्वास ही नहीं हो रहा। हमें तुरंत उससे दोस्ती छोड़ देनी चाहिए। हमें पता लगाना होगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। मेरे इस बात का विश्वास रखो, कितने भी तकलीफ आए हमारे दोस्ती पर कोई आंच नहीं आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, घर पर हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे, चलो चलते हैं। ऐसा सोचकर दोनों वहाँ से अपने अपने बच्चों के पास चले गए। बंदर के दो और हाथी के दो बच्चे हैं।
सभी एक ही जगह रहते हैं। इस तरह दिन बीते। एक दिन दो शिकारी ने जाल बिछाकर लोमड़ी को पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर उसे ले जाने लगे। तब लोमड़ी ने बहुत रोया। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। हाँ, मुझे छोड़ दीजिए। तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? सर्कस वालों को बेचने से हमें बहुत पैसा मिलेगा, मालूम है? सर्कस में लोमड़ियों को नहीं लेते, आपको मालूम नहीं है क्या? सर्कस में आपको कभी लोमड़ियाँ दिखी हैं क्या? सोचिए। इतने मुश्किल से तुम्हें छोड़ने के लिए पकड़े हैं क्या? अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको अच्छा सा उपाय बताऊंगा, आपको बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। उसकी बात सुनकर उन शिकारों के मन में लालच जगी। उस हाथी और बंदर की दोस्ती को खत्म करने का यही अच्छा मौका है, अब उनका खेल खत्म। उन दोनों शिकारियों से लोमड़ी ऐसा कहा। एक जगह पर दो हाथी के बच्चे और दो बंदर के बच्चे हैं, उन्हें ले आइए, आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो ठीक है। लोमड़ी उन दोनों को हाथी और बंदर के निवास की ओर ले गई। वहाँ पर हाथी की तबीयत खराब थी, वहाँ अपने बच्चों के साथ लेटी थी। बंदर के बच्चे भी सोए हुए थे, बंदर वहाँ नहीं थी, वह खाना लाने के लिए बाहर गई थी। उन्हें गहरी नींद में सोता देख शिकारी ने उन सभी पर जाल बिछा दिया और उन्हें बंदी बना लिया। हाथी ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे नहीं हो पाया। तुम कितने अच्छे हो दोस्त, इन्हें पकड़वा कर तुमने हमें मालामाल कर दिया। लोमड़ी को देखकर हाथी चकित हो गई। तो ये सब तुम्हारी करतूत है, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं तुम दोनों को अलग करना चाहता था, किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मालूम है? तुम्हें जरूर उसकी सजा मिलेगी। शिकारी हाथी के साथ सभी बच्चों को भी गाड़ी में चढ़ाकर ले गए। लोमड़ी वहीं बैठकर रोने लगी, जैसे उसे कुछ मालूम नहीं हो। तभी वहाँ बंदर आई। लोमड़ी को रोते देख उसे कुछ समझ नहीं आया और पूछा, दोस्त क्यों रो रहे हो? मैं अपने जवान से कैसे कहूँ मित्र। क्या हुआ है, बात क्या है, ठीक से बताओ। तुम्हारी जिगरी दोस्त तुम्हारे बच्चे उठाकर कहीं ले गई है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक ना सुनी। उसने ये भी कहा कि तुम्हें धोखा देने के लिए ही उसने तुमसे दोस्ती किया। उसने ये भी कहा कि तुम्हारे दोनों बच्चों को मार देगी और अब से किसी को नजर भी नहीं आएगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे मारा। उफ। उसकी बातें सुनकर बंदर दंग रह गई। उस दिन से बंदर खोए हुए अपने बच्चों के बारे में सोचती रहती। उसके दोस्त ने ही उसे धोखा दिया, उस बात से वह बहुत दुखी थी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। बंदर की बहुत बुरी हालत हो गई थी। ठीक से खाना ना खाने की वजह से बहुत दुबली पतली हो गई थी, चल भी नहीं पा रही थी। अच्छा मौका समझकर लोमड़ी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसके ओर फेंकना चाहा। उसी समय अचानक हाथी वहां आया और एक पत्थर लेकर लोमड़ी के पैर में दे मारा। इस अनहोनी से बंदर चौंका और सामने अपने बच्चों को देखकर एकदम से भागने लगी। टूटे हुए पैर को देखकर लोमड़ी बिलबिलाने लगी। दोस्त तुम्हें मालूम है इस दुष्ट लोमड़ी ने क्या किया? मुझे और हमारे बच्चों को इसने उन शिकारियों को पकड़ा दिया। उन्होंने हमें सर्कस में भेज दिया। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जान पर खेलकर अपने आप को और बच्चों को वहाँ से बचाया, और यहाँ यह लोमड़ी तुम्हें भी मारना चाहती है। इसे मार देने से भी हम पर कोई पाप नहीं आएगा। इन सब बातों को सुनकर बंदर चकित रह गई। अपने बच्चों को सही सलामत वापस लाने वाली अपने जिगरी दोस्त को देखकर बहुत खुश हुई। सच जानकर बंदर बहुत दुखी हुई। उसने इतना सब कुछ कर दिया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने दुष्ट लोमड़ी की बात सुनकर तुम पर शक किया। इतना सब कुछ करने वाले उस दुष्ट को मार देना ही उचित होगा, मारना होगा,
उसका पैर टूट गया है, वो अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब से किसी की बातों पर विश्वास मत करना दोस्त। उस दिन से हाथी और बंदर पहले की तरह अच्छे दोस्त बनकर रहने लगे।